हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, इसराइल टेल्स पैलेस्टीनियन टू लीव नॉर्थ गाजा। तो एक बार लोकेशन देख लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा प्यारा भारत। हम यहाँ से अगर जाएंगे अपने वेस्ट के तरफ में, पाकिस्तान, ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, आपको आ जाएगा इसराइल। तो ये है हमारा लोकेशन। यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें, ये गाजा स्ट्रिप हमने देखा और ये पूरा का पूरा हमने इसराइल देखा। ये हमारा इसराइल है। तो नॉर्थ गाजा आपका ये वाला पार्ट है। इसराइल ने साफ बोल दिया पैलेस्टीनियन को कि नॉर्थ गाजा यहाँ से इवैक्यूएट कर दो। तो ये इसराइल की धमकी है और ये आपका वेस्ट बैंक है। पिछले कई सारे वीडियो में मैंने बहुत बार बताया, ये सीरिया, जॉर्डन, ठीक है, सऊदी अरेबिया, सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट, ऊपर में आपका लेबनन, और यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी। ये हो गया आपका तेल अवीव, ये हो गया आपका जेरूसलम, और ये आपका वेस्ट बैंक, और ये गाजा स्ट्रिप, ये आपका इसराइल बीच में। तो चलिए देखते हैं क्या इशू है। पैलेस्टीनियन बिगेन अ मास एक्सोडस फ्रॉम द नॉर्थ गाजा ऑन फ्राइडे आफ्टर इजराइलीज मिलिट्री टोल सम 1 मिलियन पीपल टू इवैक्यूएट टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ द बिसीज्ड टेरिटरी। एन अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर अहेड ऑफ द एक्सपेक्टेड ग्राउंड इन्वेजन अगेंस्ट द रूलिंग हमास मिलिटेंट ग्रुप। द यूनाइटेड नेशंस वॉर्न्ड दैट सो मेनी पीपल फ्लीइंग एन मैसेस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गाजा पॉपुलेशन वुड बी कैलामिटीशियस। ठीक है, हमास विच स्टेज्ड अ शॉकिंग एंड ब्रूटल अटैक ऑन इसराइल नियरली अ वीक अगो हैज फायर थाउजेंड्स ऑफ द रॉकेट सिंस डिमाइज द इवैक्यूएशन ऑर्डर एज अ प्लॉय एंड कॉल द पीपल टू स्टे इन देयर होम्स। तो उन्होंने तो बोला है भाई घर में रहो, पर कैसा घर में रहो, बम मारेंगे तो जिंदा घर में थोड़ी रहेंगे। द इवैक्यूएशन ऑर्डर विच अप्लाइज टू गाजा सिटी होम टू हंड्रेड ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड पैनिक अमंग द सिविलियन एंड एड वर्कर ऑलरेडी रनिंग फ्रॉम इजराइलीज एयर स्ट्राइक एंड कंटेंडिंग विथ अ टोटल सीज ऑफ गाजा। द इसराइल हैज कट ऑफ ऑल द फूड वाटर सप्लाईज एंड कॉज द टेरिटरी वाइड ब्लैकआउट। फॉरगेट अबाउट फूड, फॉरगेट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, फॉरगेट अबाउट फ्यूल। द ओनली कंसर्न नाउ इज दैट इफ यू विल मेक इट यू आर गोइंग टू लिव, सेड निबाल फरासक, ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द पैलेस्टीनियन। इसराइल हैज ऑल्सो बम्बार्डेड गाजा राउंड द क्लॉक सिंस हमास अटैक इन विच Its fighter massacred hundreds in southern Israel and snatched some 150 people to Gaza as hostages. तो यहाँ पे ये जो अटैक का रिटेलिएट कर रहा है उसकी बात हो रही है। हमास said Israel air strikes killed 13 of the hostages in the present day. In the past day, it said that the dead include foreigners, but did not give their nationalities. Israel military spokesperson Yair Adam Hagari denied that, telling Al Jazeera Arabic that we have our own information and do not believe lies of Hamas. Israel said on Thursday, I would allow the supplies into Gaza until Hamas free the hostages. तो देखिए, अब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देखें, ये पेलेस्टीन ने, हमास ने, गाजा स्ट्रिप ने 150 हॉस्टेजेस लेकर चले गए हैं आपके इसराइल से। इसराइल वहाँ पे खाना पीना नहीं दे रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा, लाइट नहीं दे रहा, फूड नहीं दे रहा। कह रहा है ये तभी रिस्टोर होगा जब आप अपने हॉस्टेजेस को रिलीज़ करोगे। ठीक है, हॉस्टेजेस को रिलीज़ करोगे तभी होगा। और उसके बाद से इन्होंने, अगर ये गाजा है तो बोल रहे हैं नॉर्थ गाजा को इवैक्यूएट करो। तो बस इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।